आप लोग म्यूट कर लीजिए, किसके एंड से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है पता नहीं चल रहा। तो बेसिकली डे वन को जब हम देखेंगे तो हम लोगों ने जब ये स्टडी करा पूरा सिस्टम बनाने के लिए, तो हमने पांच मेजर एस्पेक्ट्स को स्टडी करा वर्ल्ड ओवर। जो भी कैम है, कैम इज कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेट कंप्लीट अल्टरनेटिव मेडिसिन, कंप्लीट अल्टरनेट मेडिसिन पांच पार्ट में बटा हुआ है। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस, माइंड बॉडी इंटरवेंशन, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड एनर्जी मेडिसिन। ये पांच जो हैं, इनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, हिप्नोसिस, योगा, चीरोप्रैक्टिक, लाइकवाइज इट कवर्स द होल ऑफ द अल्टरनेट मेडिसिन कम्युनिटी। तो जब हमने देखा, तो अब ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के तौर पे हमने देखा कि इसमें कोई चीज ऐसी है जो ना दिख रही हो और होनी चाहिए थी। तो हमें आत्मा यानी सोल एंड बीज मंत्र, ये दो कॉमन चीजें किसी भी पैथी के अंदर नहीं मिली। मैं मेरी बात समझा पाया? तो ये जो बीज मंत्र, मतलब ये स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज है, वो भी कहीं तो आएगा ना इसमें? तो ये बीज मंत्र जो है, ये बेसिकली स्विच वर्ड नहीं है। ओके, इन द फर्स्ट प्लेस जो हमारा ईस्टर्न ट्रेडिशन जो था, उसने बोला कि एक ब्रह्मांड था, वो ब्रह्मांड एग की फॉर्म में था, और वो एग जो है वो अंडा फूटा। जब वो अंडा फूटा तो उससे बहुत तेज साउंड निकली, उसको नाद कहते हैं। और जब वो साउंड निकली तो जो टोटल वो एग के अंदर से जो स्प्लिट हुआ, वो स्प्लिट में क्रिएशन थी। तो वो जो नाद था उसको शिव तांडव की थ्योरी बोली गई कि शिव जी के डमरू से अक्षर निकले और वो अक्षरों से भाषा बनी, ऐसा डिस्क्रिप्शन था। तो वो जो साउंड थी, उसके जो ब्रेकअप्स थे, वो बीज मंत्र बने। इसको आप ऐसा कह सकते हैं जैसे वो बिजली चमकती है तो बादलों में गड़गड़ाहट होती है बहुत तगड़ी, तो वो जो गड़गड़ाहट है किसी ने उसको डिकोड करा, और उसको डिकोड करके छोटे छोटे पार्ट में रिपीटेटिव पैटर्न्स को बाइफरगेट करा, तो हमारे अल्फाबेट्स बने। वो अल्फाबेट्स के जो कॉम्बिनेशन थे जिनसे क्रिएशन होती है, उसको बीज मंत्र कहते हैं। मैं समझा पाया मेरी बात? तो बीज मंत्र जिसे सीड मंत्र बोलते हैं ना बेसिकली, राइट? तो क्रिएशन से आया, क्योंकि मैं जस्ट कल ही पढ़ रहा था, तो ऑल द बीज मंत्रस आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर गॉड, कृष्णा, शिव, लक्ष्मी जी, ऐसे करके। तो उससे ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। Okay. इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करके सिंपल रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहली बात, हमारा पूरा प्रोसीजर जो है किसी भी भगवान को एंडोर्स नहीं करता। ओके, जैसे कृष्ण जी है, कृष्ण जी अभी 5200 साल पहले पैदा हुए थे, तो ह्यूमन बीइंग थे। उनसे 8 लाख साल पहले रामचंद्र जी पैदा हुए थे, वो भी ह्यूमन बीइंग थे। उनसे 13 लाख साल पहले परशुराम पैदा हुए थे, वो भी ह्यूमन बीइंग थे। उससे पहले आपका कछुआ, मछली, इन सबकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो थ्योरी है, ये किसने कब लिखी, उससे पहले का क्वेश्चन होगा ना कि वो थ्योरी का जो अल्फाबेट था वो किसने लिखा। तो हम उस अल्फाबेट रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसमें नहीं जा रहे कि ये भगवान कौन सा भगवान, किसने पैदा करा, क्या करा। इसका आसान सा तरीका ये है आइडेंटिफाई करने का कि जैसे मेरा शरीर है, आप अपने शरीर के अंदर एक आत्मा को देख रहे हैं? हार्ट देखना है जी, हार्ट पता है, आत्मा नहीं पता है। एक्सेलेंट। तो जब आपका जो कॉन्शियस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, तब आपको अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी बॉडी दिखती है जिसको आप कहते हो कि ये सब काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, अगर उसमें से मैं करंट हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो वो कितना फंक्शनल है? बराबर है। उसका हार्डवेयर भी है, उसका सॉफ्टवेयर भी है, और
उसमें बहुत सारी विंडो भी खुलती है, दुनिया का लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन अगर उसमें करंट नहीं है तो वो कितना काम का है, ऐसी लैपटॉप ऐसी कंप्यूटर। सो हम एज ए ह्यूमन बीइंग उस बैटरी सोर्स को, उस एनर्जी सोर्स को जो हमें करंट दे रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। अब हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म फिट है जो उस बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, तो जो चार्जिंग हो रही है वो अगर नहीं करे, मान लीजिए कि एक पेशेंट कोमा में चला जाता है, ना वो कुछ खाता है ना पीता है, और ऐसे 2-5 साल निकल जाते हैं तो भी वो कोमा में पड़ा रहता है, तो इसका मतलब कि ये जो बैटरी सोर्स है ये बहुत वाइब्रेंट सोर्स है, और इसमें जो करंट की जो अप्रोचेज है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू जो भी सिस्टम हम जानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, तो स्किन के अंदर कोई एलिमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अंदर करंट बना देता है, हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उसमें करंट बनता है, हमारे हार्ट में जो दिल की धड़कन है उस आवाज के अंदर कोई प्रोसेस है जो करंट बना रहा है। सो हमें नहीं पता कि कहाँ पर कौन कितना करंट बना रहा है, बट हर चीज कुछ ना कुछ करंट के तौर पे बना रही है, उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। सो लाइकवाइज देयर आर इन्यूमरेबल टर्म्स जो हमें नहीं पता, और कुछ पार्ट हमें पता भी है। तो हम जिस सब्जेक्ट सिस्टम पे बात कर रहे हैं, इट इज 95% अननोन, ओनली 5% वी नो। तो वो जो 95% अननोन जो है उसको मैंने बोला आत्मा, एंड फ्रॉम देयर दी स्टोरी गॉट स्टार्टेड। ठीक है जी, तो यहां से हमने दो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करे, आत्मा और बीज मंत्र। गौरव जी एक सेकंड, आपकी जो लाइन थी जहां आपने पूरे से मेरी बात समझ में आ रही है, जहां पर से फिर डिस्कशन चालू हुआ, सो अंडा फूटा वहां से नाद निकली, एंड नाद से फूट के जो निकले वो आप कह रहे थे बीज मंत्र हुए। एब्सोल्युटली। सो वो तो साउंड हुई ना, दैट मस्ट हैव बीन अ साउंड। साउंड कहना गलत होगा उसको, क्योंकि जो वो नाद, नाद तो साउंड होती है ना। एक्चुअली देखिए, जो हमारा ये मेटाफिजिकल सिस्टम जो है, जिसमें हम न्यूरो साइंस और इन सारे सब्जेक्ट को देखते हैं, उसमें जो हमारा थ्रोट चक्रा जो है, दैट इज बेसिकली इट मैनिफेस्ट थॉट्स को कन्वर्ट करता है वो साउंड में। तो हम जब देखते हैं तो हमें वो बिजली की गड़गड़ाहट तो सुनाई देती है, बट उस बिजली की गड़गड़ाहट से पहले कितनी फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट हुई जिसने उसको इलेक्ट्रिसिटी के लेवल तक पहुंचा दिया, हम उसको अकाउंट फॉर नहीं ले रहे। सो मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, तो लैंग्वेज को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, बट नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज इन अ सिचुएशन टू एक्सचेंज थॉट विदाउट क्रिएटिंग दैट थॉट। अगर आपके पास कोई चीज आपने क्रिएट नहीं करी है, तो आप उसे एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मैं तो मेरी बात जो समझा मंत्रा पाया? है, तो आपके लिए वो जो दिख रहा है वो उसके पीछे की चीज है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो हमने उसको, क्योंकि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमको उसको बीज मंत्र को लिखित फॉर्म में जस्ट टू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट इट, उसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में एक अल्फाबेट या मंत्रा के फॉर्म में लिख दिया। ये पिक्टोरियल फॉर्म सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज तो थॉट लेवल की है ना। टिल डेट इन द वर्ल्ड वी डोंट हैव एनी डिस्क्रिप्शन व्हिच सेज कि व्हाट इज अ थॉट। तो मंत्रा वर थॉट्स, मंत्रा आर थॉट्स ओनली, बट थॉट क्या है ये अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है इन दी मेडिकल साइंस डोमेन। हमारे यहाँ संस्कृत में ये एक्सप्लेन्ड है। चलिए मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ, इससे थोड़ा डिस्कशन आगे जो है कॉन्क्रीट हो जाएगा, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स ऑफ कैम्बेज टाइप्स दे रखे हैं, इनको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो पहले वाले में आपने एक सेक्शन बनाया था स्पिरिचुअल हीलिंग, तो ये बीज मंत्र उसमें नहीं कवर होते थे क्या? स्पिरिचुअल हीलिंग इज थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद सोल। ओके। उसमें बीज मंत्रास नहीं आते, बीज मंत्रास आर बिफोर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओके। बीज मंत्रास आर सोर्स कोड, मतलब उससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब हम इस पे कंपैरिजन में जाने से पहले, हम सबसे पहले एक पॉइंट एड्रेस करते हैं कि हम लोग
हीलर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हीलिंग जो टर्म है ये हम देखते तो बहुत हैं, लेकिन हीलिंग को संस्कृत में क्या कहते थे? देर आर 45 टाइप्स, 45 ऑल्टरनेट नेम्स टू हीलिंग, आउट ऑफ विच द मोस्ट ब्यूटिफुली विच डिस्क्राइब्स इज इश्कृति। तो जब हमने इश्कृति टर्म को देखा तो हमें हीलिंग के बारे में पता चला कि हमारे यहाँ पास्ट में भी हीलिंग होती थी और अलग अलग टाइप की हीलिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हीलिंग का वाल्मीकि रामायण में डिस्क्रिप्शन है कि जब रामचंद्र जी युद्ध जीत गए और उन्होंने रावण को मार दिया, तो उस टाइम पर इंद्र जो हैं वो आए, तो रामचंद्र जी ने इंद्र को झुककर प्रणाम करा। तो इंद्र ने बोला, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने बोला कि जी आज आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी चीज है, और आपके सामने तो कुछ ऐसा मांगे जो बहुत यूनिक हो, तो मैं ये मांगता हूँ कि रावण के इस युद्ध में जितने भी वानर, जितने भी लोग राम की तरफ से खड़े हुए थे, वो सारे जीवित हो जाए। तो बोले भाई ये तो आपने बहुत मुश्किल मांगा वरदान, क्योंकि जब कुंभकर्ण चला था तो उसके पैरों के नीचे कितने वानर बिल्कुल ऐसे पिस गए जैसे आटा पिसता है। तो बोले जी अब मांगना है तो मांगना है। बोले देखो, मैंने आज तक कभी कोई चीज ऐसी नहीं बोली कि जो मैं झूठ बोलूं, तो ठीक है। और फिर वो अपने दोनों हाथ उठाकर अमृत वर्षा करते हैं और वो सारे वानर जो उस युद्ध में मर गए थे वो वैसे उठ गए जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति। तो हीलिंग जो है वो आज से 8 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी के टाइम पर हीलिंग का ये लेवल था कि व्यक्ति मर जाए, पिस जाए, और उसके ऊपर जब वो अमृत वर्षा होती थी तो वो फिर से उसका पूरा शरीर रिक्रिएट हो जाता था। राम के नाभि में अमृत था तो उसका कोई सर काटता था तो वो सर वापस उग जाता था। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम अभी ट्रांसप्लांट के लेवल की बात करते हैं। वहां पर वो ऑर्गन उग रहा था और हेड जैसी चीज उग रही थी, ये उसके डिस्क्रिप्शन थे। तो हमें ये पता चला कि हमारे देश में जो हमारे एपिक्स थे उसमें हीलिंग बहुत हायर ऑर्डर की थी, उसका एक परसेंटेज, एक ड्रॉप बराबर एक्टिविटी है किसी की बीमारी ठीक करना या किसी को फाइनेंशियली रिवाइव करना। तो उसके जो स्टेप्स हैं ये लॉस्ट साइंस है बेसिकली, बीज मंत्र चिकित्सा। एंड मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बीज मंत्र चिकित्सा विच इज ए लॉस्ट साइंस, उसको कैसे वापस कनेक्ट कर सकूं। तो मैं एक एक चीज को डॉक्यूमेंट करके उसको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करके लोगों को सिखाता हूँ। और जब वो लोग सीखते हैं तो उस एक्सपेरिमेंटेशन के बीच में लोग क्वेश्चंस करते हैं और हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सपैंड होता जाता है। तो हमने जब हीलर को देखा तो हमने आइडेंटिफाई करा, हीलर वो व्यक्ति अच्छा बनता है जिसके पास कोई पेन पॉइंट हो, ये पहली कंडीशन है। मतलब जब तक व्यक्ति के पास कोई अपना दर्द नहीं होगा तब तक वो उस दर्द को रिजॉल्व करने का एफर्ट नहीं करेगा, ये सेकेंड स्टेप हो गया। जब वो दर्द को रिजॉल्व करने का एफर्ट करता है तो वो उस सिस्टम को लिए पूरे ट्रेडिशनल सिस्टम को स्टडी करता है, फिर उस ट्रेडिशनल सिस्टम को स्टडी करने के बाद प्रेजेंट सिस्टम से उसे कंपेयर करता है, फिर वो अपनी मेथोडोलॉजी बनाता है, फिर डिबेट्स कंडक्ट करता है, फिर उस डिबेट में लोगों को सेटिस्फाई करता है, और फिर जब उसका मॉडल कॉन्क्रीट हो जाता है तो वो लोगों को एजुकेट करता है। सो दिस इज ब्रॉडली द 7 or 8 स्टेप्स जो हमने इस मॉडल के तौर पे आइडेंटिफाई करे। इन्हीं मॉडल्स को हमने L1 to L9 बाइफरगेट करके हीलिंग विद बीज मंत्र, सीइंग योर ऑरा, सीइंग अदर्स ऑरा, बीज मंत्र इम्पैक्ट ऑन ऑरा, मेडिटेशन विद बीज मंत्र, मेडिटेशन इम्पैक्ट ऑन ऑरा, रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्र, रिजॉल्विंग अदर्स डिजीजेस थ्रू बीज मंत्र, एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीज मंत्र। ये हमारा 9 स्टेप में ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम एक बीज मंत्र को 3000 बार रोज 360 डेज तक लिखने के लिए कहते हैं, और कम से कम 1 साल में 1000 पेशेंट्स को रिजॉल्व करना है, ये हमारा अप्रोच होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को हम कम से कम 1 घंटा रोज मेडिटेशन और 3000 बार बीज मंत्र लिखना, ये बेसिक पार्ट है जो जिसके लिए हम एक व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब तक वो अंदर उतना एफर्ट नहीं होता तब तक अंदर से ट्रू फॉर्म नहीं निकलती है। फिर अभी तक डॉक्टर आरती ने आपको जो कराया वो करवाया, सेंसिटाइजिंग द हेड, हैंड्स स्कैनिंग, लोकलाइज स्वीपिंग, एनर्जाइजिंग चक्रास, स्टेबलाइजिंग एंड रिलीजिंग। सो कमिंग टू द मेन पार्ट, ये बीज मंत्र है क्या, इसकी मैंने एक स्टोरी फॉर्मुलेट, मतलब एक
थ्योरी फॉर्मुलेट करी, तो मैंने इसको बोला इंडियन ह्यूमन इवोल्यूशन हैज ऑलवेज कनेक्टेड पावर विजडम रिचनेस हेल्थ स्पिरिचुअलिटी अनलाइक वेस्ट, सोर्स ऑफ ऑल दिस वॉज कनेक्शन विद डिवाइन. डिवाइन हैड मेनी फॉर्म्स, एज फॉर एग्जाम्पल पर्पज है, यूनिवर्स है, फाइव एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल है, नेचर है, नक्षत्र है, सोलर सिस्टम है, राजा है, हमारे पेरेंट्स हैं, ये रिवर और ओशन है, ये सारे के सारे डिवाइन के एक्सप्रेशन है. ईच सुपरनेचुरल कॉज ऑफ पावर इज आइडेंटिफाइड एंड हैज बीन यूज्ड फॉर सेविंग मैनकाइंड फ्रॉम द एक्सीडेंटल फैक्टर्स लाइक टोर्नेडो और एपिडेमिक्स. जैसे आजकल कोरोना आ गया या साउथ में तूफान देखते हैं हम, तो ये सारी की सारी चीजों से जो भी व्यक्ति प्रोटेक्शन दे पाता है वो भी उस सुपरनेचुरल का पार्ट हो जाता है. गिविंग बर्थ टू न्यूक्लियर वॉरहेड्स, डिवाइन चैरियट्स, गोल्ड विच वॉज यूज टू प्रिजर्व द पावर ऑफ नेचर, thus understanding cause made them divine. So divine always had a name, properties and purpose. It has been observed that calling the divine with the name, properties and purpose invoked divine inside that person. Combination of relationship, name, properties and action, invocation is known as mantra. Tree and seed have a relationship of coexistence. So for convenience, seed is kept and tree is invoked. So we started our research on seeds, seeds of evolution of gods, which is Bij Mantra. मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, but वो तीन लाइन बहुत ब्यूटीफुल बोली, एक बार रिपीट करेंगे बहुत जल्दी जो आपने बोली अभी, कि ये तीन चीज होती हैं. So divine has a name, वो वाले पोर्शन वहां से. Divine always had a name, properties and purpose. मतलब? It has been observed that calling the divine with the name, properties and purpose invoked divine inside that person. हाँ. Combination of relationship. नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इसको बताइए. देखिए, मैंने राम के बारे में बात करी, राम के चरित्र के बारे में बात करी, राम नाम के बारे में बात करी और राम ने क्या काम करा उसके बारे में बात करी. उसका चिंतन करने से मेरे अंदर राम जागृत हो गए. ओह ब्यूटीफुल, ओके ओके. ठीक है, मैंने हर वो चीज जिसने बहुत बड़ा काम करा तो मैंने उसको जैसे ही ध्यान करा तो मुझे पता चला कि उसने कितना बड़ा कार्य करा. राम ने बोला कि मैंने मेरी माँ का दुख देखा है, मेरी माँ जो है वो हमेशा सौत द्वारा प्रताड़ित की गई, तो मैं राम दशरथ पुत्र ये संकल्प लेता हूं कि मैं मेरी पत्नी को वो कष्ट नहीं दूंगा और मैं एक पत्नी व्रत धारी रहूंगा. सोचे कितनी बड़ी पावर थी. जो चीज मैंने मेरे सिस्टम में ऑब्जर्व करी एंड आई कंसिडर इट वेरी नेचुरल, वहां पर पेन आइडेंटिफाई करना, कंसर्न आइडेंटिफाई करना और उसके प्रोएक्टिवली उस काम को करना, तो राम ने एक पत्नी व्रत लिया जो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी, जबकि पॉलीगैमी उस समय बहुत कॉमन था. फिर राम ने ऑब्जर्व करा कि जब वो बाली सुग्रीव के पास गए तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि बताओ बड़ा भाई जो है उसका काम होता है छोटे भाई की रक्षा करना, यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को भी छीन लेता है, कैसा दुष्ट समाज है, कोई मेरी बीवी को उठा के ले गया. अगर इस तरह से मैं हर समय बैठा रहूं और इसी बात की चिंता करता रहूं कि कोई मेरी बीवी को उठा के ना ले जाए तो मैं तो कभी कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा. मैं इन सबको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये हमेशा के लिए वो हो जाएगा. तो उन्होंने विभीषण को बोला कि देख भाई, मैंने तेरे भाई को मार दिया और ये सारा राज्य तुझे दे रहा हूं, पर तू एक बात याद रखना, ये पुल बना दिया है जो इस बात को याद करने के लिए है कि जब जब तेरे मन में कोई विचार ऐसा आए कि तू रावण की जगह ले रहा है तो याद रखना कि इस पुल से मैं वापस आ सकता हूं. तो गलत काम करने वाले के लिए फियर क्रिएट करना वो क्षत्रियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो उन्होंने करके दिखाई. तो जब आप राम के एक एक एक्शन को धीरे धीरे करके ध्यान से देखते हैं तब आपको पता चलता है कि राम क्या है. और जब वो रक्षा देने वाला तत्व जागृत होता है तो आपके अंदर भी यही करने का मन आता है. तो इसलिए मैंने बोला कि Divine always had a name, property and purpose.
इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कॉलिंग द डिवाइन विद द नेम प्रॉपर्टीज एंड पर्पस इनवोक द डिवाइन इनसाइड दैट पर्पस इनसाइड द पर्सन कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप नेम प्रॉपर्टीज एंड एक्शन इनवोकेशन इज नोन एज मंत्र. ये क्या हुआ एक्शन इनवोकेशन मतलब संबंध रिलेशनशिप मतलब संबंध नाम गुण प्रॉपर्टीज एक्शन यानी कर्म इन चारों को कंबाइन करके हम एक मंत्र देखते हैं. मतलब उसको अब पूरे रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है ना. एक राम का मंत्र याद कर लीजिए तो पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं हुई ना. आज दर्शन जी शोर आ रहा है काफी आपके एंड से. मतलब जैसे राम नाम में ही वो सब समाया हुआ है जो उनकी प्रॉपर्टीज उनके कर्म उनके अच्छे नाम मतलब सारी चीजें पर्पस. मतलब राम के बहुत सारे मंत्र है मैंने ऑलवेज मतलब ग्रुप में भी काफी सारे मंत्र शेयर कर रखे हैं. किसी भी राम के मंत्र को अगर आप ध्यान करेंगे तो वो मंत्र के अंदर उसमें नाम होगा उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी और उसमें कुछ एक्शन होगा जो वो एक्शन कर्म को कहते हैं. सो कर्म में उद्देश्य होता है अदरवाइज वो क्रिया होती है. मतलब जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार को धक्का देने पे आप क्रिया कर रहे हैं कर्म नहीं कर रहे. कर्म इज क्रिया विद उद्देश्य इंटेंशन पर्पस इंटेंशन की पर्पस 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 ठीक है. तो यहां से मैंने मंत्र को एक्सप्लेन करा. ये सारी मेरी अपनी डेफिनेशंस है. मैं मतलब कन्वेंशनल सिस्टम को नहीं इसमें मानता. तो ट्री एंड सीड हैव अ रिलेशनशिप ऑफ कोएग्जिस्टेंस सो फॉर कन्वीनियंस सीड इज कैप्ट एंड ट्री इज इन्वोक्ड. मतलब मैंने बीज को बो दिया और पेड़ उग गया. बट बीज के अंदर पेड़ होता है और पेड़ के अंदर बीज होता है. ये कोएग्जिस्ट करते हैं हमेशा. सो वी स्टार्टेड आवर रिसर्च ऑन सीड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गॉड्स व्हिच इज बीज मंत्र. उससे पहले वाली लाइन गौरव जी सो फॉर कन्वीनियंस द ट्रीज इन्वोक्ड इसको थोड़ा सा आप अपने वो मंत्र वाली सिचुएशन में एक्सप्लेन कीजिए. ट्री एंड सीड को बीज को धारण करा. जैसे मेरा एक बड़ा सिंपल सा वो है आप कोई सा भी मंत्र बोलिए. श्रीम नमः शिवाय श्रीम नमः शिवाय फॉर एग्जांपल. ओके श्रीम नमः शिवाय ठीक है. अब इसमें शिवाय जो है वो पूरा संपूर्ण शिव है. श्रीम बीज मंत्र हो गया ठीक है. सो ट्री क्या हुआ एंड सीड क्या हुआ. सीड जो है वो श्रीम हो गया और ट्री जो है वो शिवाय हो गया. आप गायत्री मंत्र ले लीजिए. गायत्री मंत्र में बोलता हूँ ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा. ये गायत्री मंत्र है. अब इस गायत्री मंत्र में ज्ञत श्री ज्ञत ह्री और ज्ञत्र क्ली ये तीन बीज मंत्र है. बाकी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ये मंत्र हो गया मतलब ट्री हो गया ठीक है. So we started our research on seeds of evolution of gods and बीज मंत्र ठीक है जी. Now एक चीज और पूछनी थी. आपने एक बहुत beautiful term use किया था इश्कृति बीच में कहीं पर. इश्कृति is healing the term healing originated from Sanskrit and in Sanskrit it is known as इश्कृति. इश्कृति मतलब क्या होता है. इश्कृति का मतलब होता है इच्छा से creation. अच्छा इच्छ कृति के ईश भगवान ईश कृति ईश में ईश कृति है छोटा ई है बड़ा ई नहीं है और षटकोण का शा है. सो ये जो ईश कृति जो लिखने की प्रक्रिया है वो भी आगे आएगा. तो उसमें जो है इच्छा करने से क्रिएशन कैसे होता है उसका प्रोसेस ईश कृति कहलाता है. एंड हीलिंग इज सेम ठीक है क्योंकि उस इच्छा के पीछे कहीं पर ईश डिवाइन इच्छा होगी तभी होगा ना. तभी ईश और इच्छा का कॉम्बिनेशन है
देखिए हमारे यहाँ ना संस्कृत में तंत्र के अंदर जो है तीन स्टेप्स बोले गए हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। पहले इच्छा होती है, फिर क्रिया होती है, फिर ज्ञान होता है। ये बेस है। आप कोई भी चीज करनी है, उसकी इच्छा करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर में वो हो जाती है। कौन सी चीज की इच्छा है? अब जैसे होता क्या है, वो ये जब मैं किसी एक सिस्टम को पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं आप जो है मर्सिडीज की इच्छा करते रहो, थोड़े दिनों बाद आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी। ऐसा कभी नहीं होता। इच्छा का मतलब होता है वह चीज जो लोक हित के लिए है, आपके व्यक्तिगत लाभ और हानि के लिए नहीं है। मैं समझा पाया मेरी बात? By definition, इच्छा का मतलब ही वो होता है। Exactly. तो हम लोग ने तो, ह्यूमैनिटी ने तो इच्छा का मतलब ही एकदम अलग बना दिया है। तो वो जो इच्छा का मतलब वो ह्यूमैनिटी जो यूज कर रही है वो वॉन्ट्स है। वॉन्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो विश, वॉन्ट, डिजायर्स, ये सारी अलग अलग टर्म्स है। इसलिए इष्कृति जो है वो, जैसे आरती ने अपना एग्जाम्पल दिया होगा कि एक व्यक्ति को पार्किंसंस था तो वो कैसे ठीक हो जाए, केवल इस बात की उसने विश करी और वो पावर आ गई। हम लोग कोई पैदाइशी हीलर थोड़ी थे। सडनली वो पावर आ गई, तो वो पावर कहाँ से आई? सिर्फ ये विश करने से कि अरे ये ठीक हो जाए, मैं मतलब इसको इतने पेन में नहीं देख सकती। और उससे पहले हमने बड़े पेनफुल इवेंट्स लाइफ में आए हमारे, तब हमने वो शायद विश नहीं कर पाए, बट विश हम उस व्यक्ति को देख के कर पाए क्योंकि उस समय हम खुद उससे कनेक्टेड तो थे बट उसके बेनिफिशियरी नहीं थे। तो जैसे आप कहीं किसी हॉस्पिटल में देखने गए किसी व्यक्ति को, तो अगर वो आपका अपना है तो उस समय जो आप इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा जो है उसमें बेनिफिशियरी भी आप हैं। आप बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए। तो ये इच्छा में एक टेक्निकल पार्ट है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सो पर्पस, एक्सपीरियंस, क्रिएटर, एनर्जी, बीज मंत्र, एप्लीकेशन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ सॉल्यूशन, ये हमारे बेसिकली स्ट्रक्चर हो गए। इसमें ऑरा अराउंड द बॉडी, ये सब थ्योरी हैं, ये बेसिकली आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अब इसमें जो डॉक्टर आरती ने आप लोगों के साथ शेयर करा होगा, एक तो हम इसमें बात करते हैं लब्धिकाग्र चक्र की। लब्धिकाग्र चक्र या लंबिकाग्र चक्र दोनों इसके नाम है, जो दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये पॉइंट नंबर वन है जो हम ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। द सेकंड पॉइंट इज नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक ब्रीदिंग करना, ये सेकंड है। तीसरा पार्ट है अपनी टंग को पैलेट पे लगाना, और ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम बीज मंत्र के साथ में, और लब्धिकाग्र में सोल सीट को आइडेंटिफाई करना। ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो डॉक्टर आरती आप लोगों को करवाते हैं। फिर ये हमारा प्राणरयी ब्रीदिंग होता है, जिसके तौर पे ये हम बाद में कवर करेंगे। बट एक पॉइंट गौरव जी, एक मिनट, वहां पर जो आपने 5 पॉइंट्स कवर किए थे जी, उसमें एक था ब्रीदिंग टिल नेवल, फ्रॉम नोज टू नेवल, है ना? ये तो जब हम लोग कर रहे होते हैं तब बोलते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए भी बोलती है। फिर आपका है लब्धिकाग्र या लंबिकाग्र चक्र टू नेवल, नेवल, हाँ, ये क्या पॉइंट हुआ? लब्धिकाग्र चक्र या लंबिकाग्र चक्र कहते हैं हम, हाँ, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन, हाँ, और नाक के पीछे, हाँ, तो जो दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन है उसका सेंटर पॉइंट, और वो सेंटर पॉइंट नाक के टिप के ठीक पीछे, मतलब इफ आई पुट अ परपेंडिकुलर, हाँ जी, जो मैं दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचूं और उसमें सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो मेरी नाक के टोज के टिप पर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो हाउ इज द ये 3 पॉइंट में जो ब्रीदिंग लिखी हुई है, ये 1 और 2 में से मतलब क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखिये, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी आउटर पेरिफेरी काम करती है, और मेडिकल साइंस से कहते हैं कि आपको सांस जो है लंग्स तक लेने की जरूरत है, नेवल तक लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं लंग्स से सांस ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये वहां हमारा जो स्टडी था उसमें हमने देखा कि जब हम सांस को नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक लेते हैं तो हमारी सांस या श्वास जो है वो प्राण में कन्वर्ट हो जाती है,
और प्राण ही हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है. सी इट इज अ वेरी फाइनर पॉइंट जिस पे हम बात कर रहे हैं. ये आप कहीं भी प्राणायाम करने वाले स्पेशलिस्ट जो है ना उनसे भी बात करेंगे तो ये उनको भी नहीं पता. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ नहीं समझा नहीं, पा रहा बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना वो पावर अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाती है. एब्सोल्युटली. बट जो लोग प्राणायाम अच्छी तरह जानते हैं या सिखाते हैं उनको ये नहीं पता कि प्राणायाम में प्राण क्रिएट कैसे होता है. हम कह रहे हैं सांस की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करेंगे तो सांस की साइकिल कंप्लीट होने से प्राणों की उत्पत्ति होती है. मैं समझा पाया मेरी बात नहीं समझा पाया? हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ मैं. सो वो कंप्लीशन फिर थर्ड पॉइंट से होता है कि टू पॉइंट से होता है, नोज टू नेवल से होता है कि लब्धिकाग्र चक्र से नेवल से होता है? देखिए नोज जो है वो लब्धिकाग्र चक्र के पीछे है, सामने नहीं है. मतलब जो मैं नाक के टिप का बात कर रहा हूँ, नाक के टिप पर ही नाक है ना, बट लब्धिकाग्र चक्र जो है वो नाक के टिप के पीछे है. तो मैं मेरे गले को ध्यान रखूंगा और अपने गले से, अपने गले में ना एक बांसुरी को इमेजिन करूंगा सीधे. तो मेरे 7 पॉइंट्स उसमें बन जाएंगे ना. एक पॉइंट वो जहां से मैं बांसुरी बजा रहा हूं और बाकी जो 7 पॉइंट हैं वो उसके अंदर 7 चक्रों के तौर पर आ गए. हाँ समझ गई समझ गई. तो नोज से इनहेल करेंगे लेकिन टच तो वो लब्धाग्र को करेगी ना पीछे जाके. एब्सोल्युटली. तो वो जब वो नीचे जाएगी, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी तो वो नाक से हटके अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ ले लेगी. हाँ, वो सीधी सीधी कॉर्ड जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के पैरेलल चलना शुरू हो जाएगी. अभी आगे आएगा, मैं तुम्हें विजुअली आपको बताऊंगा ये. हाँ, मैं कैसे बता रहा हूँ. नेवल से फिर हम मूलाधारा तक नहीं जाएंगे, नेवल पे अटक जाएंगे, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ. हाँ, था तो ये भी मैं आगे भी पीपीटी में कन्वर्ट मतलब आपको शेयर करता हूँ थोड़ा सा ये पॉइंट. ये एक्चुअली डे वन पे ना ये पार्ट प्रैक्टिकली आरती की डोमेन का है. मैं बस सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि थ्योरी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, फिर ये प्राण रही ब्रीदिंग जनरल स्वीपिंग अभी डॉक्टर आरती ने करा दिया, फिर एक मेडिटेशन उन्होंने करा दिया. दिस एंड्स फॉर आवर डे वन. अब मैं आपके सामने डे टू की पीपीटी रखता हूँ. मेरा शायद रह गया क्योंकि मैंने प्राणायाम वगैरह नहीं किया है. कोई बात नहीं मैम, तीन तीन चार डे वन में आपने जो स्लाइड दिखाई ना वो थी नहीं, हमने आपने जो दिया है और वो ऑरा वाले पॉइंट्स भी नहीं मेरे को आते हैं इसलिए. कोई बात नहीं, ये इसीलिए हम कहते हैं कि पीपीटी ना प्रिंट आउट के तौर पे सामने रखनी चाहिए. तो मेरे मोबाइल के खुला है, इसलिए हम पहले पूरी थ्योरी शेयर कर देते हैं. बेसिकली जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि आपको प्रत्येक स्थिति में प्रिंट आउट जो है उसको हाथ में रखना चाहिए, एक एक चीज को बार बार देखना चाहिए. 7 दिन में इतनी इलेबोरेट थ्योरी इट इज इम्पॉसिबल टू कवर. इसलिए बार बार जब उस पर डिस्कस करते हैं, बार बार आप क्वेश्चन करते हैं तो वो शीट के ऊपर ही हम कहते हैं क्वेश्चन लिखिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको पता चले अच्छा ये पॉइंट रह गया फिर वापस. क्योंकि मैंने तो वो पूरे पूरे डिस्क्रिप्शन डाल रखे हैं, बट हर व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्वेश्चनिंग एबिलिटी फर्क होती है. और क्योंकि इसमें मेजॉरिटी सिस्टम संस्कृत ड्रिवन है तो वहां पर वो चीज हमारे थॉट में भी नहीं आती. मतलब सिर्फ ये कहना कि थॉट इज अनडिफाइंड, हमारा आज का जो प्रेजेंट सिस्टम है वो थिंकिंग बेस्ड है. थिंकिंग को डिफाइन करते हैं, थॉट को डिफाइन नहीं कर रहा है कोई भी. सो टिल डेट इट इज नॉट डिफाइंड, बट हमने अपने स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें उसको आइडेंटिफाई. अब जैसे हम डे टू की पीपीटी है, इसमें हम सबसे पहला पार्ट कहते हैं वी आर 3 in 1 माइंड बॉडी एंड सोल. ठीक है जी. दूसरा पार्ट हम कहते हैं कि सोल है कहां पर. हमारे एक शरीर के अंदर 3 शरीर है, 3 शरीर में एक जो है वो आत्मा है, एक हमारा माइंड है और एक हमारा शरीर है, बट ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं. अब ये आत्मा जो है ये सोल सीट मैंने डिफाइन करी, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है इमेज में आपके मोबाइल फोन पे, ये स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है. हाँ वो जो सोल सीट वाला ना. हाँ जी. हाँ हाँ
तो आप देखिए कि आपकी नाक जो है वो बाहरी पार्ट है, सांस बाहर से अंदर जाती है, अंदर जाके वो जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को ज्योग्राफिकल लोकेशन मानेंगे, इसको मतलब फिजिकली जो पॉइंट है उसको नहीं देखेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ये मैंने अलग अलग ह्यूमन उसके मॉडल को घुमा घुमा कर बनाई। अब मैं हाँ आपको बहुत ये इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इस जगह है, जो ये गोला सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ लाल रंग का एरो लग रहा है, अच्छा अब इस पॉइंट में खास बात क्या है, ये मेरे गले के ऊपर का भाग है, गले के ऊपर की वजह से नाक से जो सांस है वो भी मेरे गले में जा रही है, मेरी दोनों आंखें जो हैं उनसे भी एक-एक वेन जो है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, थ्रोट कनेक्ट हो रहा है, नोज कनेक्ट हो रही है, माउथ कनेक्ट हो रहा है, पूरी बैकबोन कनेक्ट हो रही है, और बैकबोन ये जहां पर ये पॉइंट है इसके ऊपर मेरे ब्रेन के पांच पार्ट भी यहीं टिके हुए हैं, तो इस कारण से ये पांच जो ब्रेन का जो पूरी फंक्शनिंग है वो भी, तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि मेरे पूरे बॉडी के सारे कंट्रोल्स इसी पॉइंट पर रेस्ट्रिक्ट हो गए, मेरा बैकबोन यहीं से कंट्रोल हो रहा है, आंख नाक कान सारे बॉडी के ऑर्गन ब्रेन सब कुछ यहां से कंट्रोल हो रहा है। तो मैंने कहा कि जब सारे कंट्रोल एक जगह हैं तो गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठेगा, गाड़ी का ड्राइवर तो वहीं बैठेगा जहां गाड़ी के सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो मैंने कहा अगर सारे कंट्रोल यहां पर हैं तो कंट्रोलर भी यही होगा, तो ये मेरी जुगाड़ डेफिनेशन है। मैंने एक एनालॉगी देखी, एक गाड़ी को देखा और मैंने एकदम से सोचा कि गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठेगा, अब मैं बोलूं कि मेरी गाड़ी नहीं है तो ड्रोन है, तो ऑब्वियसली ड्राइवर गाड़ी के अंदर नहीं बैठेगा, बाहर बैठेगा, बट अगर ये हवाई जहाज है तो कॉकपिट जो है उसमें सारे कंट्रोल होते हैं, तो ड्राइवर वहीं बैठेगा तो वो भी ठीक है, ड्राइविंग। ड्रोन वाला भी एग्जांपल ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ड्रोन के अंदर कुछ है जो कि आत्मा हो गई, और जो आदमी ड्रोन को चला रहा है वो परमात्मा हो गई, तो वो भी वो ऐसा बंदा जी, आपकी बात तो ठीक है बट आप गॉड को उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना ये कहकर, ये इधर भी और उधर भी, गॉड तो सबसे बड़ा पावरफुल है, वो चाहे तो कहे ना मैं अंदर बैठूंगा ना मैं बाहर बैठूंगा, गाड़ी फिर भी चलेगी, मैंने प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर रखी है, तो हमें हाँ ईश्वर चले, की हाँ पावर हाँ को कम नहीं आंकना है, उसकी इंटेलिजेंस को अपने उससे नहीं ऑब्जर्व करना, हम तो सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई शरीर में इधर कंट्रोल है सारे के सारे तो कंट्रोलर भी यही होगा, अजम्पशन है ये। अब ये अजम्पशन पे हमने मेडिटेट करा और इस पॉइंट पे ध्यान ले जाकर हमने उस वाइब्रेशन को सब लोगों से टच कराया, जैसे ही टच कराया तो हमें पता चला कि हाँ कुछ तो डिफरेंस आ ही रहा है, हमारे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, मतलब घर में कोई मौजूद है, हमने ये आपको अभी तक महसूस कराया, ये तो थ्योरी है ना बेसिकली, मेन तो वो प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया कि इधर श्रीम 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 करा तो श्रीम ने किसी एक पॉइंट को तो टच करा, ठीक है, तो हमने ये बट बोला कि ये जो ईश्वर है जो शिव पार्वती के तौर पे डांस करता हुआ इस जगह मौजूद है, तो हमने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया और हमने बोला कि तीन चीजें हैं, एक स्थूल शरीर है जिसमें पांच एलिमेंट हैं, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें पांच, सॉरी सॉरी गौरव जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, वो पहले प्लीज वाले पे जो आपने बताया कि एक तो भृकुटी क्या होती है, फिर भृकुटी ब्रिक्विटी इसको कहते हैं, वो आपके जो डायग्राम में जहां बताया, जो आपका ब्यूटीफुल डायग्राम है। जो थर्ड आई है ना, जो शिव जी के थर्ड आई आ रहा हाँ है ना, इसके इस हिस्से को, हाँ माथे के इस हिस्से को ब्रिक्विटी कहते हैं, तो आज्ञा चक्र वाली जगह, हाँ ओके, और ओके ओके ओके, एंड देखिए आज्ञा चक्र फर्क है, दूसरा, लब्धिकाग्र चक्र फर्क है। हाँ जी वो मुझे क्लियर हो गया। हाँ गौरव जी, ये ब्रेन में कहाँ पे होगा, एमिग्डाला या पीछे, मतलब थर्ड ब्रेन, मसल मेमोरी ब्रेन, तो वो टेक्निकली ये जो पॉइंट आपने एरो से दिखाया है वो ये रहा ना यहाँ पे, फिजिकल लोकेशन? ये ब्रेन का ये पार्ट है ना यहाँ पे,
मतलब उसके आजू बाजू में कौन सा पार्ट आता है, मतलब वो ब्रेन के कौन से पार्ट में ये आता है, वो ही पूछू। बेस स्टेम मान सकते हैं इसको, स्टेम होती है ना जिस पे ब्रेन टिका होता है, ब्रेन स्टेम। हाँ ओके। एक एक बीच का हिस्सा होता है ये देखो ना, ये नीचे इस वाली इमेज को देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिस्टम पे। हाँ हाँ मेरे पास भी वही खुली हुई है ना, तो इसमें ये नीचे तो हमारी बैकबोन है, ऊपर ब्रेन है, बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे ऊपर का और नीचे के हिस्से दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ मैं टेक्निकली समझना चाह रहा था कि वो कोई पर्टिकुलर पार्ट है एमिग्डाला या जो भी वो उधर। देखो जी मैं पहले आपको एक बात समझा रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को आप हार्डवेयर पे मत जाओ, सॉफ्टवेयर पे मत जाओ, ज्योग्राफिकल लोकेशन आइडेंटिफाई करो। गाड़ी में एक ड्राइविंग सीट है, उसको अगर आप बोलो जी इंजन जो है वो ड्राइवर है, नहीं इंजन ड्राइवर नहीं है, बोले आप बोलो गियर सिस्टम ड्राइवर है, गियर सिस्टम जो इस सबको चला रहा है जहां बैठकर, उस कंट्रोलर को देखो आप, कंट्रोलर इज बियॉन्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटर। ईश्वर की पावर को ना बड़ा सीमित नहीं आंकना चाहिए, ईश्वर एनर्जी नहीं है, ईश्वर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ईश्वर इज बियॉन्ड। हेलो, तो सोल सीट का मतलब सोल यहाँ पर होता है ना, तभी तो सोल सीट वर्ड बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट वो सोल क्या है ये अब हम नहीं कह सकते, वो एनर्जी है, वाइब्रेशन, वी डोंट नो व्हाट दैट सोल इज। देखो जी ऐसा है, हमारे जितने भी संस्कृत के एपिक्स लिखे हुए हैं उन्होंने बड़े ही सिंपल तरीके से अपनी ईगो को जस्टिफाई करते हुए बोला कि भाई मेरे को इतने करोड़ वर्ष हो गए पर मैं आज तक आत्मा को नहीं जान पाया, वो अननोन है। लोमश ऋषि का डिस्क्रिप्शन है कि हमारे यहाँ एक ब्रह्मा, ब्रह्मा की आयु होती है 4,32,00,000 वर्ष। जब एक ब्रह्मा मरता है तो वो अपनी छाती का एक बाल तोड़कर फेंक देते हैं कि मेरे वो चले गए। तो ऐसे अभी उनके छाती में 1 रुपए के सिक्के के बराबर जो है जगह खाली हुई है, ये आयु लोमश ऋषि की है। बट लोमश ऋषि से पूछो तो वो कहते हैं कि मैं भाई सब कुछ देखा, मैंने उसके रिपीटेशन देखे, सब कुछ समझा, लेकिन ये आत्मा जो है ये अभी तक मुझे पता नहीं चली है। अब हम उसको, ये जितने भी चिंटू बक्से वाले लोग हैं ये सब जने यही बोलते हैं, अरे आत्मा तो एनर्जी होती है, आत्मा तो फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज द कॉन्शियसनेस। ये जितनी जल्दी आप इस टॉपिक को अपने दिमाग से बाहर कर देते हैं, अरे मैं जानता हूं आत्मा क्या होती है, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पीस आएगा। और ईश्वर, ईश्वर की पावर को बहुत छोटा मानना है ये, हम छोटे छोटे भी अगर अपने अंदर एनर्जी चेंजेस को देखेंगे ना तब भी एनर्जी को आंसर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर जो लोग कहते हैं एनर्जी जो है, दे कैन नॉट आंसर एनर्जी बाय विदाउट डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एंड मैटर, द डेफिनेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर, इसकी को एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन है। तो वो फिजिक्स मतलब वो उस पे ना जाएं तो बढ़िया है, मतलब कि सो देयर इज सोल बट वी डोंट नो क्या है, बट समथिंग समथिंग उसको बोल दिया बस, समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सोल। और ऊपर जो आपने बताया था माइंड बॉडी सोल, सो सोल हुआ जो कंट्रोलर ड्राइवर है और बॉडी के थ्रू वो काम करवाता है, और माइंड के थ्रू क्या थॉट क्रिएट करवाने के लिए माइंड आया। देखिए अब मैं ये आपको ना इस वाले से स्लाइड से समझाता हूं। पहला चीज है स्थूल शरीर, which is the physical body, the hardware, the visible part of our body. The second part is sukshma sharir. Sukshma sharir में 5 elements होते हैं। अब देखिए ये मैं बिल्कुल differentiator की बात कर रहा हूँ। हमारे को कहीं भी 5 elements mind, body और soul के नहीं बताए जाते। तो जब मैंने ये system study करा तो मुझे पता चला there are 5 elements of body and there are 5 elements of our sukshma sharir. Sukshma sharir ke 5 elements kaun se hain? Sky, air, fire, time and direction. Aur phir mera sukshma sharir to physical sharir hua, sukshma sharir kya hua? Software, software for my body. Okay, but hindi mein matlab kaise hai wo hum samajh nahi payenge, jaise ki soul hai wo sukshma sharir ko sanskrit mein kehte hain adhyatma, adhyatma, adhibhut aur adhidev.
सो दैट आल्सो वी कांट कॉम्प्रिहेंड. स्थूल शरीर इज अधिभूत, सूक्ष्म शरीर इज अध्यात्म और कारण शरीर इज अधिदेव. अगर आप संस्कृत में डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं ये ब्रॉडली. देर इज ए कॉजल बॉडी, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. हाँ, मेरे को इंग्लिश में समझना होगा. नहीं, बट इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही, इतनी डिफिकल्ट है. मतलब लेमैन की तरह से क्या हुआ, फिजिकल तो ये शरीर, स्थूल शरीर इज ग्रॉस बॉडी, फिजिकल है ना, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, पैर हाथ ये सब. सो एनीथिंग विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर इज नोन एज स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी. तो हर वो चीज जिसमें वजन है, हर वो चीज जो आंखों से देखी जा सकती है, हर वो चीज जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी सारी स्थूल शरीर हो गया. इसलिए वहां पे पंच इंद्रिया है. इंद्रिय सॉफ्टवेयर होता है, इंद्रिय सॉफ्टवेयर है, इट इज पार्ट ऑफ द सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर इज पार्शियली इनविजिबल. स्थूल शरीर है जी, शरीर में भी वो इंद्रिय. क्या चीज क्या दिया है आप? अच्छा, मैं उधर स्थूल शरीर में भी, ये देखो जी आप, ये स्थूल शरीर में भी टच स्मेल टेस्ट. अभी 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 एक एक करके चलते हैं. ये मेरा नाइन एलिमेंट सिस्टम है. इस नाइन एलिमेंट सिस्टम में फाइव फाइव एलिमेंट के दो सिस्टम है, दो लाइन ऑफ एक्शन है. एक मेरी विजिबल बॉडी है, एक इनविजिबल बॉडी है. एक बॉडी है जिसमें स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये पांच है. एक है जो मेरी इनविजिबल बॉडी है, विच इज स्काई, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन. एक बॉडी है जो एयर, फायर, स्काई, टाइम, डायरेक्शन. तो अब ये पांच पांच करके मैंने इनको अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर. अब कारण तो एकदम अलग ही चीज हो गई. कारण इज कॉजल बॉडी. हाँ, बट व्हाट इज इट? मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को देखूं तो कॉजल बॉडी क्या है? कॉजल बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा एंड मन. ये कारण है और सूक्ष्म आपने कहाँ बताया था? ये इसके नीचे वाला सूक्ष्म है, उसमें भी एयर है, उसमें भी टाइम है. और नहीं, क्या है? नहीं, एयर नहीं है, टाइम है. नहीं, एयर है, फायर है, स्काई है, टाइम है, डायरेक्शन है. आत्मा और मन नहीं है सूक्ष्म शरीर में. ये देखो ना आप इमेज ध्यान से, ये इमेज दिख रही है? मैंने ये बोला, ये इसी का आपने तीन अलग अलग किया है ना. हाँ, इसी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. मैंने बोला मेरे शरीर में तीन तीन लोग एक साथ काम करते हैं. एक मेरा माइंड होता है, एक मेरी बॉडी होती है और एक मेरी सोल होती है. तो ये एक्चुअली इनविजिबल में भी दो पार्ट है ना एक्चुअली. हाँ, वो नहीं समझ में आ रहे, सूक्ष्म और कारण नहीं समझ में आ रहा. देखो जी, ये इमेज दिख रही है ना, मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये बीच का हिस्सा पांच पॉइंट हो गए. हाँ, केवल हाँ, बीच का हिस्सा. राइट, जो बीच का हिस्सा है इसको सॉफ्टवेयर मानिए, द सॉफ्टवेयर विच इज वर्किंग इनसाइड यू. ऊपर के पांच हो गए, नीचे के पांच हो गए. ये इसको देखो जी, पहले आप ये इमेज दिख रही है. इस इमेज का क्या मतलब है? आप थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल फोन को ध्यान करो. आपके मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर है, आपके मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर है, और आपके मोबाइल फोन का कोई ना कोई क्रिएटर होगा. हाँ, कंपनी, ब्रांड, कंपनी, ब्रांड, वो ब्रांड को बनाने वाला भी कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा ना. बराबर है. तो आपको क्या पता चला? एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक क्रिएटर, तीन चीजें पता चली. हाँ, हाँ. अगर हार्डवेयर है तो कोई ना कोई उसके बनाने वाला क्रिएटर होगा.
बराबर है। हाँ अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो कोई ना कोई उसके बनाने वाला क्रिएटर होगा, हाँ प्रोग्रामिंग, राइट, प्रोग्रामिंग, अगर क्रिएटर है तो कोई ना कोई उस क्रिएटर का भी क्रिएटर होगा ना। मान लो आपने ही, आप ही वो व्यक्ति हो जिसने वो मोबाइल फोन डिजाइन करा, उसका हार्डवेयर बनाया, उसका सॉफ्टवेयर बनाया, पर किसी ने तो आपको भी बनाया है ना। तो जब हम किसी भी चीज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्रिएटर पे अपने ध्यान को लेकर जाते हैं, तो वो सारी चीजें किधर की तरफ इंडिकेट करती है, एक सुपर क्रिएटर के ऊपर ना। एक सुपर क्रिएटर कोई देखेंगे ना, कोई है जो सब कुछ बना रहा है, बनाने वाले को भी कोई बना रहा है ना। मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया? बट उसका लिंक कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से क्या है, ये लिंकेज नहीं समझी मैं। तो हार्डवेयर तो क्लियर है, जो आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया, हार्डवेयर ऑफ द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट पर से इज लाइक द हमारी फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, तो मोबाइल आपका स्थूल शरीर हो गया, फिर उसका आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सूक्ष्म शरीर हो गया और क्रिएटर कारण शरीर हुआ। हाँ। अब क्रिएटर पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो आप दो पार्ट तो क्लियर हो गए ना, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हाँ अब क्रिएटर पे आते हैं। अगर हम क्रिएटर को ध्यान से देखेंगे तो क्रिएटर ने किसी ना किसी पर्पस से ही मोबाइल फोन को क्रिएट करा ना। वो पर्पस को आइडेंटिफाई करिए और फिर ध्यान से सोचिए कि अगर मेरी आत्मा ने ही ये शरीर और मन का निर्माण करा, तो वो आत्मा जो है, वो आत्मा कौन से उद्देश्य के लिए उसने मेरे शरीर और मन का निर्माण करा। और किसी भी स्थिति में जब ये शरीर और मन अफेक्ट होता है, उस स्थिति में वो कौन है जो इन दोनों को ही करेक्ट करता है। वेस्टर्न साइंस तो कहती है ना, सब कुछ ब्रेन है, बट जहां पर ब्रेन ही अफेक्ट हो गया, जहां मेंटल रिटार्डेशन हो गया, जहां सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, बच्चे ऑटिस्टिक हो गए, इन दैट सिचुएशन व्हाट इज दैट विच इज करेक्टिंग द सिस्टम। ए वी से कि इट कैन नॉट बी करेक्टेड, बी इज इट कैन बी क्रिएट करेक्टेड, सो बट इफ इट कैन बी करेक्टेड, व्हाट इज दैट विच कैन करेक्ट। मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया? वो क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस? तो थॉट, फीलिंग, इमोशन जो है वो बेसिकली जो इसके भी बियॉन्ड है। मतलब जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है स्काई की प्रॉपर्टी साउंड है, एयर की टच है, फायर की विजन है, टाइम की प्रॉपर्टी है, काउंट, डोमेन, आउटसाइड डोमेन, डायरेक्शन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके। तो जब हम इसको देखते हैं तब हमारे को जो है ब्रॉडली ये पता चलता है कि कुछ है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। मैं इसको थोड़े से और इलेबोरेशन के साथ समझाता हूँ। हमने फाइव एलिमेंट को स्टडी करा, हमारे फाइव एलिमेंट के बाद हमें पता चला कि हमारे फाइव एलिमेंट से एक साउंड बनी, उस साउंड ने अपने आप को अल्फाबेट्स में बाइफरगेट करा, उन अल्फाबेट्स ने अपने आप को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में करा, उन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ने अपने आप को जो है वो वर्ड मीनिंग में डाला, वर्ड मीनिंग सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ बना, पैराग्राफ से चैप्टर, चैप्टर से बुक, बुक से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से लाइफ, लाइफ ने अपने आप को वापस डिवाइड करा फाइव एलिमेंट्स में, फिर फाइव एलिमेंट से बना सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटर सिस्टम, बॉडी, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, अर्थ, अर्थ बनी सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम गैलेक्सी, गैलेक्सी मिल्की वे, मिल्की वे से यूनिवर्स। सो टोटल यूनिवर्स ने अपने आप को फाइव एलिमेंट्स में बाइफरगेट कर लिया। तो ये जो बाइफरगेशन है, ये जो भी ब्रॉडर इसकी डेफिनेशन है, इट इज ऑलवेज इन थ्री पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटर, एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इनसाइड एंड आउटसाइड। मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया?
आई थिंक अब मेरा दिमाग और काम नहीं कर रहा. हाँ मतलब थ्योरी में ऐसा ही होता है, कौन टीवी के पास बैठ के क्लास अटेंड करता है. नहीं तो 3 घंटे भी तो हो गए ना, अब कहाँ दिमाग चलेगा. तो बंद कर देते हैं क्लास, जरूरी थोड़ी है कि उसको इतनी देर हाँ बंद करा जाए. बट आप मुझे थ्योरी वो प्रार पढ़िएगा. प्रार राई समझना था, वो वाला पॉपोशन, ये चीज तो बहुत बहुत अलग ही है प्राणराय भी कैटेगरी. आगे, प्राणराय अभी आगे आएगा. ठीक है फिर, ठीक है ठीक है जी, तो चलिए फिर आज का ब्रेक लेते हैं. कल आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा पहले, क्योंकि हाँ हाँ विदाउट प्रिंट आउट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्लास. क्योंकि मेरे को भी जो है बार बार वो स्लाइड्स पे रहना है, तो फिर मेरे को बात करने में भी मतलब दिक्कत होती है. 5 एलिमेंट से शुरू होके साइकिल वापस वहीं पे आ रहा है. एब्सोल्युटली, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड डिस्क्राइब देयर एंड देन इटसेल्फ. ठीक है ना, बट ये है कि आप पहले इसके प्रिंट आउट्स लीजिए ताकि ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आए. कौन से चैप्टर करेंगे कल? अभी ये Day 2 और Day 3 का पीपीटी करेंगे. मैं एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ, सो दैट आई कैन कंक्लूड फॉर Day 2. हाँ. तो जो स्लाइड जहां तक हम पहुंचे थे, उसके बाद की स्लाइड जो है वो मैं आपको भी 5 मिनट के अंदर हीलर बना देता हूँ. जहां ब्राह्मण की चोटी होती है, अ अ आ ई अ आ ई ई उ उ री री लिरी लिरी ए आई अ अ अं 16 पार्ट साउंड के. क मेरा शोल्डर, ख कोनी, ग रिस्ट, घ अ, क ख ग घ अ, यहां तक. तो एक हाथ में 5 डिवीजन. च छ ज झ य, दूसरे हाथ के 5 डिवीजन. ये डॉक्यूमेंटेड है, उसमें जो स्लाइड अगली वाली है वो इसी के ऊपर है. फिर राइट फुट ट ठ ड ढ ण, लेफ्ट फुट त थ द ध न, प पृष्ठ बैक, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, मा मन, प फ ब भ म. फिर ह य हार्ड चक्र, व नाभि, र स्वाधिष्ठान, ल मणिपुर ओ मूलाधार, हय व र ल, श शेद वाला श मज्जा, षटकोण वाला श वीर्य, श श स जीवात्मा, अठावले वाला ल परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा जीव शरीर और परमात्मा. सो ये मेरे 51 बाइफर्गेशंस थे, जो 51 अल्फाबेट्स के थे. नो व्हाई वी आर शेयरिंग दिस इज, लेट सपोज किसी को यहां पर दर्द है या यहां दर्द है, या आपके राइट शोल्डर में दर्द है, तो क ये का क का शोल्डर है. श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम, श्रीम कम श्रीम. आपने जैसे ही इसको बोला तो इमिजिएटली जो है आपको यहां पर रिलीफ आ जाएगा. ठीक. अब वन्ना जी को खांसी हो गई, तो उन्होंने अपना हाथ रखा गले पे, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम, श्रीम हम श्रीम, ऐसे करके मन ही मन ध्यान लगाया, तो गले की खांसी में आराम आ जाएगा. सो मेरी पूरी बॉडी जो है वो कोई ना कोई साउंड की डोमेन में बटी हुई है. मैं जैसे ही उसको ध्यान करता हूं, इमिजिएटली इट क्लीन्स फ्रॉम इनसाइड. तो इफ इट इज पर्टेनिंग टू अ सॉफ्टवेयर और पर्पज और एनीथिंग, तो उसमें बीज मंत्र चेंज होते हैं, और इसको करते ही हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है. मैं समझा पाया? तो ये जो हम सारा सीख रहे हैं, ये हम अपनी बॉडी हीलिंग का, मतलब हमारे ये जो कोर्स इज टारगेटेड टुवर्ड्स बॉडी हीलिंग. एब्सोल्युटली. ओके ओके ठीक है. सो कर्मा हीलिंग अलग होती है, कर्मा हीलिंग इसी का ही एक सब फंक्शन है. तो इन्हीं आपको से जो हम. बीमारी हो रही है वो कर्मा हाँ ही, देखिए कर्म में क्या होता है, उद्देश्य है या नहीं है. द मोमेंट किसी का उद्देश्य डिस्टर्ब हो जाता है, इमिजिएटली उसको इसका इंपैक्ट आ जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस खत्म क्यों होते हैं? क्योंकि पर्पस से वो डेविएट कर जाते हैं. तो हमारा जो, अब जैसे कैंसर है, मतलब पूरी बॉडी में इतने से हिस्से में कैंसर होता है और पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है? इवन इफ द स्मॉलेस्ट पार्ट इज
डेविएटेड फ्रॉम पर्पस। हमारा पूरा शरीर एक तरह से इंटीग्रेटेड है, उस टोटल इंटीग्रेशन में छोटे से छोटा हिस्सा भी डेविएट हो गया, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। अब किसी व्यक्ति का 80 किलो का शरीर है या 100 किलो का शरीर है, 100 किलो में उसका टोटल ट्यूमर जो है वो 200 ग्राम का होता है, लेकिन वो 200 ग्राम पूरी बॉडी को खत्म कर देता है। मैं समझा पाया मेरी बात? नहीं नहीं, उसका रिलेशन जैसे सब लोग कहते हैं ना कि कर्म भी रिजॉल्व करने, क्योंकि हमने इतने पेंडिंग कर्म इकट्ठे कर लिए हैं मल्टीपल जन्म में, सो हमको हीलिंग करवानी चाहिए कि हम लोग अपने कर्म, एक तो होते हैं कर्म भोग के रिजॉल्व करो, और एक होता है कि यू कैन ऑल्सो हील, भोग भी सकते हैं और कर्म को हील भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये तो सारी सुपरफिशियल वो है, मतलब मैं इसको जंक मानता हूँ, क्योंकि अगर ये भोगने वाली कहानी नहीं होती तो कृष्ण जो है अर्जुन की हीलिंग कर देते, बेटा मैं तुम्हारी हीलिंग कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये युद्ध लड़ने की, अभी मैं देखो ये जरासंघ को, ये इसको दुर्योधन को अभी इनके कान में फूंक मारता हूँ और देखो ये हील हो जाएंगे और हील होकर ये ढंग से काम करेंगे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। राम को रावण तो को करते थे गौरव जी, तभी तो उनके जो ये लोग करते थे जिसको भगवान साथ थे उनके सारे काम होते जाते थे, किसी का नहीं हुआ जी, अर्जुन के सारे बच्चे मर गए थे, ठीक है ना, उसकी बीवी जो है वो वहां पर वो मेड जैसा वो था उसका, वो खुद अर्जुन हिजड़ा बन के नाचा था, कोई कहीं हीलिंग करने के लिए नहीं आया, सब कुछ भोगना ही पड़ा। राम भी पेड़ के फूंक मार के बोलते कि रावण वापस दे जा मेरी बीवी को, तो रावण दे जाता नहीं, देकर गया। वो बाली के कान में फूंक मार देते कि बाली तू इसकी बीवी को वापस कर दे, वो फूंक नहीं मार पाए, वो छिप कर ही तीर मारा। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये जो सो कॉल्ड मार्केट में लोग हैं ये उल जलूल कहानी सुनाते हैं, और मैं उस पूरे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करता। मैं बड़ा सिंपल सा सेटअप है मेरा, मैंने हर चीज को डॉक्यूमेंट कर दिया, समझाने बताने का हिसाब बना दिया, और भोगने के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होने का, आज नहीं भोगेंगे अगले जन्म में भोगेंगे, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट तो, अगर थॉट्स को क्लीन कर लें तो वो भोगना भोगना लगेगा ही नहीं। अगर से क्या है पेन, तो भोगने का पेन क्यों होता है, क्योंकि थॉट में हमको वो पेन लगता है, अगर हम उसे डिसोसिएट कर लें तो वो पेन ही नहीं लगेगा। हमारे हमारे ना जैसे सारी दुनिया तो 7 चक्र बोलती है, मैं बोलता हूँ 9 चक्र है, इसमें सबसे ऊपर वाला चक्र होता है सहस्त्रार्थ चक्र बंद, और ये लब्धिकाग्री, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये अगर आप तंत्र राज तंत्र पढ़ेंगे, जो श्री यंत्र का मैन्युफैक्चरिंग है, हाउ टू डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ श्री यंत्र, ये उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है। इस चक्र का काम होता है, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन एक जन्म से ज्यादा की होगी वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। ये मेरा जो सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर भी एक 8 पेटल वाला चक्र होता है, उसको हम सहस्त्रार चक्र बंद कहते हैं। तो जब मैं कहता हूँ मैं फलानी लड़की से शादी करूंगा और हम 7 जन्मों के लिए पति पत्नी हो गए, तो एक प्रेजेंट जन्म हो गया और बाकी जो है 7 डॉक्यूमेंट हो गए उस वाले लोकेशन में। तो जब तक हम कहे भगवान इस जन्म में मिल गई दोबारा मत मिलना, तो हमने अपना बोला कि भाई मेरा स्पाउस जो है मैं इससे थक गया, अगला ये मेरा आखिरी जन्म मानना, अगले जन्म में ये नहीं मिलनी चाहिए। तो वो उस जन्म की जो थ्योरी है या पिछले जन्म की थ्योरी है, ये सारी हमारे उस सहस्त्रार चक्र के 8 पेटल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। इट इज नॉट वेरी इजी टू क्लीन इट, इट इज नेवर वेरी इजी, इट कैन बी फंक्शन, बट वो फंक्शन जो है वो मेरे से ज्यादा दूसरे की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो कृष्ण जी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई तू भी मेरी पत्नी बन जा, तू भी मेरी पत्नी बन जा। वो इतनी सारी महिलाओं ने बोला तू मेरा पति बन, तो वो बोले अच्छा भाई इस जन्म में तो पॉसिबल ही है, क्योंकि आपके बार में राम बनकर आया हूँ, अगली बार में कृष्ण बन के आऊंगा, तब आना मेरे पास में, तब मेरी एक से अनेक होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमसे ज्यादा कोएग्जिस्टेंस की वजह से है, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट, एंड कोएग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी डिफरेंट। मैं इस जन्म में किसी का मर्डर करूं और अगले जन्म में जो है मैं सोचूं कि यार मैं साधु बन के जो है मैं प्रायश्चित कर लूं, हाउ इज दैट पॉसिबल? जो मैंने पेन दूसरे को कॉज करा, क्या वो मैं सिर्फ पूरी जिंदगी साधु बनकर उस पेन को निकाल सकता हूं? नहीं होगा ऐसा। बट जैसे आपने बोला बहुत कुछ यहाँ स्टोर्ड है बंद, सस्ता बंद में, तो जब हम क्लीनिंग करते हैं
तो हमको वहां से चालू करना चाहिए ना, उसको भी क्लीन करना चाहिए, सस्त्रार बंद्र को भी क्लीन करना चाहिए। सहस्त्रार बंद को क्लीन कर सकते हैं, बट बंद में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हम इस चीज से भागते ही क्यों हैं? इट इज वेरी सिंपल। आप कोर्ट में गए, सबसे पहले आप गॉड की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। आप बोलेंगे कि हे ईश्वर, आप जो है कौन है? बोले जी आप न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश का मतलब क्या है? कि मैंने जो सही करा उसके लिए मुझे पनिश करिए, मैंने जो गलत करा उसके लिए पनिश करिए। तो गीता ने बोला, जब तक आप ये कह रहे हो कि मैंने ये करा, तब तक ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड है, इससे अपने आप को बाहर कर लीजिए। आपने मुझे क्यों पैदा करा? एक पर्पस परफॉर्म करने के लिए, उस पर्पस पे स्टिक करिए। तो ना रिवॉर्ड चाहिए ना ही पनिशमेंट चाहिए। तो कर्म में कर्तापन जो है उसको छोड़ना होगा। कर्म करना बंद नहीं करना होता है, कर्म में उद्देश्य के ऊपर काम करना होता है। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? तो जब मुझे क्लीन करना होता है, तो क्लीन करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास एक डस्टिंग डिवाइस है और मैंने उसको डस्ट कर दिया और वो सब साफ हो गया। उस एक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब मैं अपने आप को देखता हूं और मैं अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी फंक्शनिंग को देखता हूं और मैं उसमें हर जगह मैं ही लगा रहा हूं, मैं उसमें डिवाइन एक्शन को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, उस गॉड की एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान रहा, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा? कहीं ना कहीं तो मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ये हमारा बेसिस है। तो चलिए, 3 बज गए। बस लास्ट क्वेश्चन, इमोशंस कहाँ स्टोर्ड है, मन में मतलब कोई चक्र में कि क्लीनिंग में, कैसे उसको, अगर मुझे इमोशंस को क्लीन करना है तो किसको सहस्त्रार क्लीन चक्र कर। बंद, सहस्त्रार चक्र बंद इज ये हाँ तो वेयर मतलब द मोट, इमोशंस आर ठीक स्टोर्ड। है, सो अल्टीमेटली उस, हाँ ठीक है, तो हमको क्लीनिंग में उसको भी ले लेना मन चाहिए। मन दो ही पार्ट के लिए फंक्शन करता है, सुख और दुख। मन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मन में 4 फंक्शनिंग होती है, सुख दुख विभाग और संस्कार। सुख दुख मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बुरा लगता है, लाइक्स मान लीजिए डिसलाइक्स, लाइक एंड डिसलाइक, हाँ ये मन हो गया। अब इसमें तीसरा पार्ट होता है विभाग। क्यूमुलेशन ऑफ लाइक्स इज विभाग, या एक्यूमुलेशन ऑफ डिसलाइक इज। जैसे कि हमने बोला कि हर एक मुसलमान खराब होता है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी जो डिसलाइक इवेंट्स थे, ये खराब करा ये खराब करा, तो हमने उन सारे डिसलाइक को इंटीग्रेट खराब हो नहीं hatred, सकते। can we say likes and dislikes and desire, cumulative likes are desire and cumulative डिजायर dislikes are डिजायर इज hatred. नॉट द डोमेन ऑफ मन। अच्छा डिजायर मन की डोमेन नहीं होती है। डिजायर अगर इच्छा है तो वो आत्मा की डोमेन होती है। so true desire, हाँ, मतलब अब innate, एक्चुअली देखिए intrinsic. ऐसा होता है कि संस्कृत में जो एक्सप्रेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन अब इंग्लिश। दारू पीने की, अल्कोहल पीने की इच्छा, डिजायर, वो कोई आत्मा की थोड़ी ना होगी। वो दारू पीने की डिजायर नहीं होती है, लाइकिंग टू एंजॉय। वो लाइकिंग की डोमेन में क्या है? अब किसी को दारू पीने से नशा होता है, किसी को स्मैक से होता है, किसी को ब्राउन शुगर से होता है, किसी को भांग से होता है, और किसी को सिर्फ रूह अफ़ज़ा पीने से होता है। तो वो अल्कोहल तो हम अलग, उसमें टेंजेंट में चले गए चलो ना। दिस घूमना, घूमने जाना, घूमने जाने की इच्छा। तो फंडामेंटली लाइकिंग, इच्छा नहीं, लाइकिंग। अच्छा देर इज अ डिफरेंस ओके, बिटवीन सुख और दुख। आपको सुख किसमें मिलता है, आप उसकी बात कर रहे हो। एक आदमी को पहले दारू पीने में सुख मिल रहा था, कल को वो हवन करने बैठ गया तो उसे हवन करने में सुख मिल गया, बट उसने अपने बिहेवियर पैटर्न को नहीं चेंज करा। उसको जहां सुख मिल रहा था वो उधर बढ़ गया। ये तो दैट्स इट। फंडामेंटल डिफरेंस है, डिजायर जो अपनी संस्कृत से वर्ड आता है एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली। वर्सेस जो इसीलिए हमने ह्यूमैनिटी ने उसको मैनिफेस्ट कर रखा है, उस वर्ड को, बहुत डिफरेंस हो गया ये तो। देखिए ऐसा ना, ये सारे डिफरेंस क्रिएटेड है। उसका रीजन ये है कि हमारी दुनिया में बिलियनर्स जो हैं वो दारू पर ही पल रहे हैं, कसीनो पर ही पल रहे हैं, वो कोक पेप्सी पर ही पल रहे हैं।
तो इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो हमारे यहाँ की डेफिनेशन को नहीं चेंज कर सकते बड़े आराम से। तंत्र में हर जगह जो है वो मदिरा सेवन दे रखा है, बट वो मदिरा सेवन है ही नहीं कहीं भी। जब संस्कृत में जाकर पढ़ा तो वो प्रक्रिया अलग पता चली। तो खैर दैट्स अ वेरी लॉन्गर डिबेट। द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज मन की चार फंक्शनिंग है, पहला सुख, दूसरा दुख, तीसरा विभाग, चौथा संस्कार। संस्कार इज कंडीशनिंग। सो व्हेन आई से सारे मुसलमान खराब होते हैं, लेकिन देर आर ऑल्सो गुड पीपल विद इन द इस्लाम कम्युनिटी, तो वो जो गुड पीपल का एक्नॉलेजमेंट है दैट इज कंडीशनिंग। उसी तरह से सारे शराब पीने वाले खराब नहीं होते, इट इज अगेन कंडीशनिंग। सारे नॉन तो वेजिटेरियंस वो खराब नहीं होते, बिलीफ सिस्टम हो गया ना, बिलीफ सिस्टम। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। सो अभी मन अभी इन हम मन के लोग, अंदर ये फंक्शनिंग है विच इज कंडीशनिंग। तो इसके लिए हम लोग गुरुजी बोलते हैं भी आइडेंटिफाई नोबडी। अगर मैं हिंदू आइडेंटिफाई करूंगा तो हिंदू के अगेंस्ट जो जो होगा उसके अगेंस्ट मैं खड़ा हो जाऊंगा। सो इफ आई शिफ्ट फ्रॉम समबडी टू नोबडी देन आई एम एवरीबडी। हाँ मतलब ये लार्जर डेफिनेशन हैं, इनमें बहुत सारे डीप रूटेड एस्पेक्ट्स हैं। सो प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, और ज्यादातर लोगों ने ये सारे के सारे सब्जेक्ट ध्यान से देखे भी नहीं होते, विद द ऑब्जेक्टिव कि हम इसको कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करें। सो हम सुनी सुनाई बातों की बात करते हैं, मतलब आज हम गीता को कोट करते हैं बट हमने गीता नहीं पढ़ी, आज हम दुर्गा सप्तशती को कोट करते हैं हमने वो भी नहीं पढ़ी, किसी ने उसको पढ़ा तो उसने कितना समझा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द इनिशिएटिव टू क्रिएट अ करिकुलम टू डिस्कस द बेसिक एस्पेक्ट्स। अब उसी तरह से अगर ये आत्मा के तौर पे है तो आत्मा के छह फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है उसका बुद्धि, बुद्धि इज डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। दूसरा है धर्म, तीसरा है अधर्म, चौथा है इच्छा, पांचवा है द्वेष, छठा है प्रयत्न। सो इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, तो जब हम इसको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे स्ट्रक्चर, तो इट इज ए लॉन्ग डिबेट, इसको हम वी कैन तो कीप ऑन द्वेष डिस्कसिंग। भी आत्मा की प्रॉपर्टी है? एब्सोल्युटली, द्वेष तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रावण को कैसे ख्याल आया कि मैं वो विष्णु को कैसे मारूंगा, बोले ब्राह्मणों को मारो, ये ब्राह्मण ही विष्णु विष्णु जो है उसके पास सामान भिजवाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं, ये बट ब्राह्मणों ये को मारो। ईगो माइंड की नहीं है प्रॉपर्टी ये? ईगो माइंड से इसका कोई कनेक्शन नहीं। सी अब वो वही वाली बात हो रही है ना, फर्क एक एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन है। अब उसमें क्या हो रहा है, आप ईगो को कितना समझते हो, उसको ब्रेन की फंक्शनिंग मानते हो, उसके सोल की फंक्शनिंग मानते हो। पहली बात तो आपको सोल को एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना, मैं बार बार आपको जिस पॉइंट पे ला रहा हूँ, दैट डू यू एक्नॉलेज सोल और नॉट। अगर सोल को आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो उसके फंक्शनिंग क्या है ये समझना पड़ेगा। इसीलिए ये है कि पहले आप प्रिंट आउट लो इस पूरे उसका, सो दैट कि हम अब इसको आने वाले जितने भी टाइम में इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, वील हाईलाइट एवरीथिंग, व्हाट इज दैट व्हिच इज कॉजिंग सम डिफरेंस। ठीक है जी, थैंक यू, राइट जी, नमस्ते। थैंक